हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, देख रहे हैं दोस्तों कि बैटल ग्राउंड इंडिया बहुत दिनों के बाद दोस्तों इंडिया में आ गया है। और दोस्तों, इसमें क्या क्या इशू है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ये फिर से जो है वो BGMI जो है इंडिया में बैन होगा। और दोस्तों, कितने लोग का जो है अकाउंट में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कितने लोग का जो है वो जो ID पुरानी ID थी, पबजी का ID थी, वो जो पुरानी ID है वो नहीं लॉग इन हो रहा है, कितने लोग का जो है बहुत सारे इशू हो रहा है। तो सब चीज़ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजबल है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले बात करते हैं कि तो BGMI जो बैटल ग्राउंड इंडिया जब से इंडिया में आया तब से दोस्तों तहलका मच चुका है, क्योंकि दोस्तों जितने भी यूट्यूबर से लेकर और जितने भी खेलने वाले हैं अब दोस्तों इसको BGMI को खेलना पसंद करें। क्योंकि दोस्तों अब जान रहे होंगे कि पहले का जो पबजी था वो VPN पे चलता था, लेकिन ये जो है BGMI विदाउट VPN यानी इंडिया के सर्वर पर चलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि जब हम लोग जो है VPN लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये विदाउट VPN का चलेगा और आप लोगों को जो है वो नेट जो है वो आप लोगों को पिन या किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है और कब तक ये डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका डाटा ट्रांसफ़र सिंपली हो गया होगा, जो पुरानी ID पबजी का था उसमें ये इस वाले में डाटा ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। लेकिन कितने ऐसे जो होंगे उन लोगों का डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, तो उन लोगों को सिंपली कुछ करना नहीं है दोस्तों। आप लोग क्या कीजिए कि लॉग आउट कीजिए, और लॉग आउट करने के बाद आप लोगों को एक आइकन में शो कर रहा हूँ, देखिए इसमें एक रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है। रिपेयर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पहले वाला ऑप्शन को छोड़कर किसी पे टच नहीं करना है। पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और आप लोग जो है वो रिपेयर कर दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, सिंपली आप लोग जो है वो लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद जैसे आप लोग फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या आप लोग जिमेल, जिससे भी अगर आप लोग ID से वो लॉग इन किए हैं उससे ID करके और आप लोग जो है वो अपने ID को ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करें कि कौन कौन से इसमें बग और इशू है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आप लोगों को जो है वो डाउनलोडिंग मैप नहीं होगा। आप लोगों को जो है सिंपली अगर आप इरेंगल खेलते हैं तब तो अच्छी बात है, आप लोग खेलिए। तो TDM या लिविक अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये दोस्तों अभी नहीं होगा, ये क्योंकि दोस्तों ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये आप लोगों को जान रहे होंगे कि ये बेटा टेस्टिंग किया जा रहा है। सबसे पहले बात जाने आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोस्तों बेटा टेस्टिंग किया जाता है। अब बेटा टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग तो आप लोग जो है एंड्रॉइड वर्जन को देखे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है 10 के बाद जब 11 आया, अच्छा है कोई भी अगर वर्जन आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि बेटा टेस्टिंग किया जाता है। अब बेटा टेस्टिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ डिवाइसेज में ये दे दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें अगर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो इस इशू को क्या करेंगे कि लोग उसे सॉल्व करेंगे, और इशू को सॉल्व करने के बाद जब आप पूरी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जो जो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्या करेंगे कि सॉल्व करके और सभी डिवाइसेज में ये दे दिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी इसी प्रकार से काम करेगा। बैटल ग्राउंड इंडिया यानी BGMI क्या कंपनी वाली क्या कर रहे हैं कि बेटा टेस्टिंग अभी कर रहे हैं। बेटा टेस्टिंग में कुछ कुछ डिवाइसेज में, जैसे आप लोग जो है वो प्ले स्टोर पर जब प्री रजिस्टर किए होंगे तो आप लोग जो है वो सिंपली वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं एक लिंक नीचे शो करूँगा, उस पर आप लोग क्लिक करके और जैसे जाएंगे वो प्रोग्रामिंग होता है बेटा टेस्टिंग का, तो उस पर आप लोग जाएंगे और उसमें बेटा टेस्टिंग का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आप लोग के सामने देगा कि गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली आप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी वजह से ये दिक्कतें हो रही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को क्रिएट ओपनिंग को लेकर, तो क्रिएट ओपनिंग में भी पबजी BGMI ने खुद ही खुलासा कर दिया है, आप लोग को जो है वो बहुत ही सस्ते में आप लोग जो है वो कोई भी क्रिएट ओपनिंग अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आप लोग जैसे भी कोई भी अगर क्रिएट ओपनिंग करते थे तो जितने प्राइस था या जितना इंडिया रुपीज़ था उसी हिसाब से आप लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग को जो है 50 रुपया का अगर है तो 50 BC मिलेगा, 60 रुपया है तो 60 BC मिलेगा, 100 रुपया है तो 100 BC मिलेगा, इसी प्रकार से उसमें यानी रुपया के बराबर BC मिलता था। लेकिन BGMI क्या कर रही है कि अभी रुपया के बराबर AC नहीं देगी, आप लोग जो है 10 रुपया में 60 UC खरीद सकते हो, 50 रुपया में 300 UC खरीद सकते हैं, 100, और अगर 6000 UC अगर खरीदना चाहे तो आप लोग को जो है 1275 में आप लोग जो है 6000 UC खरीद सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है दोस्तों कि आप लोग जो है क्रिएट ओपनिंग अच्छे से कर सकते हैं अगर आप लोग जो है करना पसंद करते हैं।
अब दोस्तों मेन चीज़ आ जाते हैं कि दोस्तों अगर आप लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा अभी परेशान हैं, सोच रहे हैं कि डाउनलोडिंग मैप भी नहीं हो रहा है, मेरा आईडी भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग को दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों बेटा टेस्टिंग किया जा रहा है। अब बेटा टेस्टिंग आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये बेटा टेस्टिंग कैसे काम करता है, तो ये आप लोग दोस्तों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग को आने वाला समय में ये दोस्तों इश्यू जो भी है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। अभी ये बेटा टेस्टिंग हो रहा है, भी ये प्रॉब्लम है वो देख रहा होगा, ये पबजी जो कंपनी है वो उसको देखती है और उसके बाद उसे सॉल्व करके और आप लोग को जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोग जो है बेटा टेस्टिंग को हटा कर लिप करके यहाँ से और वहाँ से सिंपली जाकर और प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।